अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सारे। उम्मीद करती हूँ अपने घरों में खुशबाश भी होंगे और सेहतमंद भी। ये देखिए, मैं आज आपके लिए फोर रोज़ का पैटर्न लेके आई हूँ और ये बहुत ही आसान पैटर्न है और इस ये आप शॉल से बना सकते हैं, बेबी ब्लैंकेट से बना सकते हैं, इवन बेबी कार्डिगन से बना सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन से बना सकते हैं। सामने से ऐसा दिखता है और ये zigzag इस तरह ही डिज़ाइन बनता है और बैक साइड से ऐसा दिखता है। तो ये मल्टीपल ऑफ 4+4+4 और 2 एच स्टिचेस हैं, ठीक है। तो चलें इसको बनाते हैं, देखें कितना खूबसूरत सा और बड़ा ही इजी है, वेरी इजी। तो चलें इसको बनाते हैं हम। मैंने ये 18 जो हैं वो स्टिचेस डाले हैं, तो इसको हम बनाते हैं। पहला हम स्लिप करेंगे और पूरी रो जो है ये हम सीधी बनाएंगे, ठीक है। पूरी रो हमने सीधी बनानी है, ये हमारी फर्स्ट रो है। स्टिच भी सीधा पलट जाइए, ये सेकंड रो है हमारी, रॉन्ग साइड है और इसको हमने सारा उल्टा बनाना है। इसको हम स्टिच को उतार के तो सारा हम उल्टा बनाएंगे, यानी पर्ल करेंगे। बिगिनर्स जो हैं उनके लिए रिकमेंडेड है ये डिज़ाइन, क्योंकि इसमें मुश्किल कोई भी नहीं है, आसान है बहुत। ये हमने सारी जो रो थी हमने सेकंड रो उल्टी बना ली, यानी पर्ल कर ली। अब हम सीधी तरफ हैं। अब देखिए, इसको हम उतार लेंगे और एक सीधा बुन लेंगे, ठीक है। अब हमने सीधा बुन लिया। अब दो ये जो फंदे हैं आपने इनके बाद आपने ऐसे, ये देखें ऐसे आपने नीडल लेके जानी है, ठीक है। और यहाँ से आपने एक लूप निकालना है ऐसे करके, ऐसे ये देखें, और फिर इन दोनों को सीधा बना लेना है। इनके आगे से आपने लूप निकाला है ना, इनको फिर बाद में सीधा बना लें। जब सीधा बना लिया तो फिर ये जो आपने लूप निकाला है इसको ऊपर से पास कर दें ऐसे ऐसे, ठीक है। दो सीधे बनाएं, उसके बाद फिर ये दो फंदे आ रहे हैं इनमें से, वही यहाँ से आपने एक लूप निकालना है, ठीक है। लूप निकालने के बाद आप इन दोनों को सीधा बनाएं और उसके बाद इसको ऊपर से पास ऑन कर दें, फिर दो सीधे बनाएं। अब ये दो फंदे आ रहे हैं, इसको आपने एक लूप निकालना है उनके आगे से और ये दो सीधे बना लें ऊपर से, फिर इसको आप पास ऑन कर दें इस लूप को, फिर दो सीधे बनाएं। अब ये दो जो फंदे आ रहे हैं इनको यहाँ से आपने एक फंदा निकालना है, ये देखें, और निकाल के इनको दोनों को सीधा बना लें ऊपर से। इस जो लूप जो निकाला हुआ है इसको आपने ऊपर से पास ऑन कर दें ऐसे, ठीक है। और ये एक आखिर में सीधा और एच स्टेज को आप
भुट्टा बना लें। ठीक है, अब आप पलट जाइए। हमारी थर्ड रो थी, ये फोर्थ रो है और आखिरी रो है हमारी डिज़ाइन की। ठीक है, उसके बाद रिपीट होगा। अच्छा, इसको आपने सीधा उतार लें। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये जो आपको फंदे नज़र आ रहे हैं, ये इनमें से जो ये सेकंड नंबर जो फंदा है, इसको आपने यहाँ से ऐसे ऐसे उठाना है और क्रिस क्रॉस करना है। इसको इधर ले आना है, पहले वाले फंदे को, और सेकंड को आपने इधर ले आना है। अब इसको ऐसे डाल के आपने उल्टा बना लेना है। ठीक है, इनको क्रिस क्रॉस कर लिया दो फंदों। अब इसको इनको इन दोनों को करेंगे, इसको पहले लेके आएंगे और उसको बाद में बुनेंगे, इसको पहले बुनेंगे। ठीक है, उल्टा बुनेंगे ऐसे। ठीक है, ये देखें यहाँ से ऐसे ये बन गए। ऐसे बन गए ये। अब उसके बाद आपने फिर वही करना है, ये चार जो फंदे आपने इनको ऐसे करना है। पहले जो इस वाले को, सेकंड वाले को आपने पीछे से ऐसे करना है, राइट नीडल पे लेना है, इसको रिलीज़ करना है पहले वाले को, उसको पिक क्रॉस करके इसको आपने लेफ़्ट नीडल पे लेना है और उल्टा बना लेना है दोनों को। अब इन दो फंदों को आपने करना है, इसको पहले पिक करेंगे, उसको बाद में पिक करके तो क्रॉस करके तो इसको पहले बनाएंगे और उसको बाद में बनाएंगे। ठीक है, अब ये फिर चार फंदे उनके साथ भी हमने वही करना है जो हमने इनके साथ किया, कि इसको आपने इसीलिए ना क्रॉस करना है, उल्टा बुनना है दोनों को। उसके बाद दो ये जो हैं, इसको पहले आपने पिक करना है, उसको दोनों उसको पिक करके क्रॉस करके ऐसे इसको पहले बुन लेना है, उसको बाद में। फिर ये चार फंदे आ गए, देखें इनमें आपने इसको पहले पिक करना है, क्रॉस करेंगे ऐसे, इसको लेफ्ट नीडल पे लेके उल्टा बुन लेंगे, इसको भी उल्टा बुन लेंगे। अब इन दो को क्रॉस करेंगे, इसको पहले पिक करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे ऐसे और दोनों को उल्टा बुन लेंगे। अब ये जो है आखिरी जो एच स्टिच है, इसको भी उल्टा बुन लें। अब ये देखें हमारी चार रोज़ कंप्लीट हो गई हैं। अब हम फिर क्या रिपीट करेंगे, पहले हम पूरी ये जो है रो सीधी बनाएंगे, उसके बाद फिर हम पर्ल करेंगे यानी उल्टी बनाएंगे, उसके बाद फिर जो है वो एक जो हमने थर्ड रो में बनाया था वो करेंगे, फिर फोर्थ रो बनाएंगे। इस तरह ये बनता चला जाएगा, ये देखें ऐसे ना खूबसूरत सा डिज़ाइन जो है ये बनता चला जाएगा, जैसे ये हमने बनाया है। फोर रोज का है, वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी ब्यूटीफुल। इसको अपनाइए, अगर आपको पसंद आता है तो अपने प्रोजेक्ट्स में बनाइए, फीडबैक दें कमेंट्स में, कमेंट करें कि आपको कैसा लगा ये डिज़ाइन जो है, आपने इसको बनाया है तो क्या इजी लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ और ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ, अच्छे पैटर्न्स के साथ, बेहतरीन पैटर्न्स के साथ। अपनी दुआ में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।